नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मार्केट में सुना होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो पैसा बना सकते हैं। जब मार्केट में करेक्शन आता है तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पैसा बनाते हैं। पर क्या आपने ये सुना हुआ है कि अगर मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है और एक रेंज में रहता है, साइडवेज होता है, कंसोलिडेट होता है, तो इस कंडीशन में क्या आप पैसा बना सकते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आपको ऑप्शन की वन ऑफ द बेस्ट जो सेलिंग स्ट्रेटजी है उसके माध्यम से मिलेगा। ऑप्शन की आज जो एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटजी है, जो बहुत सारे ऑप्शन सेलर स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, इसमें कई तरीके से वो एडजस्टमेंट भी करते हैं, और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो लगातार ट्रेडर जो है यूज करते हैं, उसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद में जितना भी कंटेंट आपसे संभव हो आप इस स्ट्रेटजी का रीड आउट करिए, और कोशिश करिए कि इस स्ट्रेटजी को आप लगातार थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट से देखें। तो दोस्तों, आज जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी का हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस स्ट्रेटजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मार्केट में ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो हर कोई इस स्ट्रेटजी से परिचित हैं। पर इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से इस स्ट्रेटजी का उपयोग आप इंट्राडे में, वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होता है, और कैसे इस स्ट्रेटजी को प्लान आउट किया जाता है, इसकी भी चर्चा जो है आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को, इस चैनल के मेंबर बनिए। साथ ही साथ ऑप्शन सेलिंग को लेकर ऑलरेडी हमने 4 से 5 वीडियो तैयार किए हुए हैं, उन वीडियोस को देखिए, और ये जो स्ट्रेटजी आज के हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इसको भी हम आपको बाद में चार्ट में और एक अलग ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। आज इसका एक आपको थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, शॉर्ट स्ट्रैंगल में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको जब भी आप किसी स्ट्रेटजी में उतरते हैं, आपको पहला काम यह करना है कि आपको एक व्यू तैयार करना पड़ेगा। चाहे आप किसी स्टॉक की बात करें, इंडेक्स की बात करें, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, आपको एक व्यू तैयार करना पड़ेगा। ये व्यू डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो आज की जो स्ट्रेटजी है उसमें आपका व्यू जो है स्टॉक या इंडेक्स को लेके वो नॉन डायरेक्शनल रहेगा। अब नॉन डायरेक्शनल का मतलब यह है कि आप उस स्टॉक और इंडेक्स की डायरेक्शन के बारे में श्योर नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक या इंडेक्स एक रेंज में रह सकता है, साइडवेज रह सकता है, अर्थात ना बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ना बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। तो ये जब आप मार्केट में व्यू बना लेते हैं तो इस नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रैंगल को आपको जो है यूटिलाइज करना है। अब ये स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, तो दोस्तों मान लीजिए अभी निफ्टी 18,500 के आसपास चल रहा है। अब वीकली बेसिस पे अगर आपने एनालिसिस किया, वीकली एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को होती है, मान लीजिए फ्राइडे को आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई इस वीक में जो अगला वीक आ रहा है उसमें निफ्टी 18,500 का चूंकि स्पॉट प्राइस है तो नीचे की तरफ 18,200 और ऊपर की तरफ 18,800 को क्रॉस नहीं करेगी। ये एक ट्रेडिंग रेंज आपने मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे या ऑप्शन चेन के आधार पे आपने तय किया हुआ है, ये का आपने व्यू बना लिया। अब आपकी इस स्ट्रेटजी की रेंज जो आप लेके चल रहे हैं वो 18,200 और 18,800 की है। आपका ये सोचना है कि इस रेंज में ही जो है निफ्टी रहेगा अगले वीक में। अब इस स्ट्रेटजी में कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप 18,500 पे आपने व्यू बनाया है और 18,800 आप लेके चल रहे हैं, 18,200 नीचे की तरफ है, तो इस स्ट्रेटजी में आप 18,800 के कॉल को सेल करेंगे और 18,200 के पुट को सेल करेंगे। अर्थात इस स्ट्रेटजी में 2 टाइप ऑफ ऑप्शन है, कॉल एंड पुट दोनों को आपको यूटिलाइज करना है। इसमें भी बात यही है कि थ्योरेटिकली आपको ये बताया जाता है कि इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, पर आपके पास मौका होता है कि आप इस स्ट्रेटजी में हेज भी कर सकते हैं, उसकी चर्चा भी हम आगे आपसे करेंगे। साथ ही साथ आप एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, वो आपके प्रीमियम का 25% हो सकता है, 30%, 35%, 50% भी हो सकता है, जो कि आपके रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल पर डिपेंड करता है।
तो जब आपके पास मौका होता है कि आप स्ट्रेटजी की पोजीशन से किसी भी वक्त मार्केट में एग्जीक्यूट करके बाहर निकल सकते हैं, तो अनलिमिटेड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। पर थ्योरेटिकली जब भी बताया जाता है तो ये एक अनलिमिटेड लॉस की स्ट्रेटजी है, और इसमें रिटर्न जो आपको मिलेगा वो जो 18800 के कॉल का जो प्रीमियम उस समय चल रहा होगा और 18200 के पुट का जो प्रीमियम चल रहा होगा वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पर जैसा कि मैं आपको हमेशा एडवाइस देता हूं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है, आपको ये करना है कि अगर आप 50-75% तक जो प्रीमियम आपने कंबाइंड प्रीमियम इस स्ट्रेटजी का जो आपने सेल किया है, मान लीजिए 18800 का कॉल जो है वो 70 रुपए पे चल रहा है और नीचे की तरफ जो आपने 18200 का पुट किया है वो 80 रुपए पे चल रहा है, टोटल प्रीमियम आपको 150 रुपए मिला, तो 150 रुपए के 75% के आसपास तक का अगर प्रीमियम डीके हो गया है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप मल्टीपल लॉट के साथ में इसमें उतर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी की संरचना बनती है कि हम इसमें स्पॉट प्राइस से इक्वल डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ का कॉल सेल करते हैं और नीचे की तरफ का पुट सेल करते हैं। जब इसको हम सेल करते हैं तो एक हमारे पास में रेंज बन जाती है। तो अब बात करने वाले हैं कि इस स्ट्रेटजी में किन किन कंडीशंस में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये है कि आपने जो मार्केट का व्यू बनाया है, जो एक रेंज आपने तैयार की है 18200 से 18800 की, अगर उस रेंज में निफ्टी रहता है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। अगर मान लीजिए उस रेंज के आसपास भी पहुंच जाता है, स्पॉट से थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है या थोड़ा नीचे चला जाता है, उस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट होना है। लॉस की कंडीशन तब शुरू होगी अगर मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी आती है और निफ्टी या तो ऊपर की तरफ अनप्रेसिडेंटेड मूव देता है या नीचे की तरफ अनएक्सपेक्टेड मूव देता है, अर्थात बहुत बड़ा लार्ज मूवमेंट अगर नीचे की तरफ होता है या लार्ज मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाता है, किसी भी डायरेक्शन में अगर लार्ज मूवमेंट होता है तो इस स्ट्रेटजी में लॉस होना शुरू हो जाता है। तो एक तरफ की पोजीशन में आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, दूसरे की तरफ की पोजीशन में कुछ प्रॉफिट होता है, पर आपने जो स्टॉप लॉस सेट किया है कंबाइन स्ट्रेटजी का, कंबाइन प्रीमियम का, अगर वो स्टॉप लॉस के बराबर आपको लॉस हो रहा है तो आपको इस स्ट्रेटजी से एग्जिट होना है। और आपने जो टारगेट डिसाइड किए 50-75% ऑफ कंबाइंड प्रीमियम, जैसे ही उतना प्रॉफिट होता है आपको पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब इस स्ट्रेटजी में चूंकि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होती है। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जैसे ही अभी नवंबर महीने की जो मंथली एक्सपायरी हुई, तो उसके बाद आप दिसंबर महीने की एक्सपायरी का मान लीजिए आपने एनालिसिस किया कि भाई करंट में निफ्टी 18500 है और आपका ऐसा सोचना है कि ऊपर की तरफ 19500 को निफ्टी दिसंबर महीने में क्रॉस नहीं कर पाएगा और नीचे की तरफ 17500, तो ये एक बहुत बड़ी रेंज आपने तैयार कर ली, 1000 पॉइंट नीचे 1000 पॉइंट ऊपर। थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 5-500 पॉइंट की रेंज में भी जा सकते हैं, उसमें प्रीमियम आपको ज्यादा मिलेगा। जब आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो आपके पास एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है पूरे महीने का, जिसमें आप कई तरीके के एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं जिनकी चर्चा आगे के वीडियोज में हम करेंगे। तो जब आपने ये एक रेंज 17500 ऊपर 19500 की मान लीजिए दिसंबर के लिए आपने रेंज तैयार कर ली, तो अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर रहता है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। और अगर इस रेंज के पास भी जाता है पर एक जो उसका मूवमेंट है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होता किसी भी डायरेक्शन में, तो आपको प्रॉफिट होना है। और अगर लॉस होना शुरू होता है तो आपको एक स्टॉप लॉस के बाद में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। इस स्ट्रेटजी में मेजर जो आपको बात ध्यान रखना है वो ये है, चूंकि कि ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं है, इसमें आप केवल कॉल और पुट दोनों को सेल कर रहे हैं, कोई भी पोजीशन आप बाय नहीं कर रहे हैं। तो हेजिंग का स्प्रेड का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि जब आप एक स्ट्रेटजी में बाय और सेल दोनों एक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं तो आपकी फिर हेजिंग होती है। कि मान लीजिए आपने एक कॉल सेल किया, एक कॉल बाय कर लिया, एक पुट बाय किया, एक पुट सेल कर दिया, तो वहां हेजिंग हो जाती। तो इसमें आपको हेजिंग के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ये एक स्ट्रेटजी में आपको ध्यान रखना है, इसमें मार्जिन ज्यादा लगता है। तो इसी स्ट्रेटजी के जब हेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं इस स्ट्रेटजी को, तो फिर हम इसको आयरन कॉन्डोर भी बोलते हैं। तो आयरन कॉन्डोर के बारे में अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, नहीं जानते हैं तो इसको लेके भी भविष्य में हम एक वीडियो तैयार करेंगे। आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई, ये दोनों स्ट्रेटजी भी मैं आपके सामने भविष्य में प्रस्तुत करूंगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको शॉर्ट स्ट्रेंगल के बारे में ध्यान रखना है, और शॉर्ट स्ट्रेंगल कब कब नहीं करना है उसको लेके आप हमारा जो ऑप्शन बेसिक्स का गोल्डन रूल्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग को लेके एक हमने वीडियो तैयार किया है, जिसमें कुछ प्रमुख बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं कि कब कब आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है। तो उन पॉइंट्स को भी आपको अपने दिमाग में रखना है और फिर इस स्ट्रेटजी को आपको उतारना है। तो ये आज के वीडियो में हमने आपको कुछ थ्योरेटिकल जानकारी शॉर्ट स्ट्रेंगल की दी है।
भविष्य में हम इसको आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे कैसे रेंज, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको चार्ट की मदद से निकालना है, और फिर कैसे आपको जो अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म है, चाहे सेंसिबल की बात करें या ऑब्स्ट्रा की बात करें, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे पे ऑफ डायग्राम बनते हैं, कैसे आपको डेल्टा न्यूट्रल का ध्यान रखना है, थीटा की क्या वैल्यू है, क्या उसका असर हो सकता है, और साथ ही साथ में स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है। ये सारी चीजें जब हम चार्ट पे और ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में इस स्ट्रेटजी को समझाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आशा करता हूं कि आज का थ्योरेटिकल वीडियो ऑन शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।